दुल्हन हम ले आएंगे के संगीत पर ठुमकते हुए दोस्तों के साथ दूल्हा बड़े ही शानो शौकत से ससुराल पहुंचा था। बारात लगी, बारातियों का स्वागत भी भव्य तरीके से हुआ। जयमाले के स्टेज पर लड़की जब लड़के को देखी तो दंग रह गई। बारात वापस विदा हुई, दुल्हन की डोली नहीं उठी, कारण कि लड़के ने फेयर एंड लवली का इस्तेमाल नहीं किया था। लड़की के गोरे रंग पे लड़के का काला रंग भारी पड़ा। लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मेरी सहेलियाँ तुम्हारी तस्वीर देखकर मुझ पर हंसेंगी, मेरा मजाक उड़ाएंगी। ऐसे काले रंग के लड़के से कौन ब्याह रचाएगा? न हम ब्याह रचाएंगे, न जग में हमारी जग हसाई होगी, ना सहेलियों के सामने हमें कुछ सुनना पड़ेगा। ताना ताना सुनने के डर से लड़की ने लिया इतना बड़ा फैसला कि लड़की के घर वाले भी दंग रह गए। दंग तो बारात में आने वाले सभी रह गए, लेकिन कमबख्त इक्स ऐसी चीज़ है कि हर जगह रास्ते खोल देती है। लड़का कह रहा है कि हम तो बहुत प्यार करते थे, पहले भी कई दफ़े फ़ोन पर बात होती थी तो जो डिमांड थी वो पूरा किया करते थे। तब तो ना मेरे रंग पर उसे कोई एतराज़ था और ना ही मेरे से कोई नाराज़गी थी, लेकिन आज उसे अपने गोरे रंग पर इतना गुमान हो गया कि जयमाला के बाद रिश्ता ही तोड़ लिया। यह पूरा वाक्या बिहार के शिवहर जिले की है, जहाँ दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। दूल्हा का रूप देखकर दुल्हन गुस्से में ऐसी लाल हुई कि रिश्ता तोड़कर सीधे अलग हो गई। यह पूरा का पूरा मामला जब निकल कर सामने आया तो शिवहर जिले के एक गांव है डुमरी, डुमरी कटसरी प्रखंड में बारात आई। गाजे बाजे के साथ दरवाजे पर बारात लगाया गया, बारातियों का स्वागत किया गया। सभी के चेहरे पर खुशियाँ थी कि आधी रात के बाद तो बस दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के हो जाएंगे। दोनों सात वचन लेकर सात जन्मों तक एक दूसरे का साथ निभाने का कसमें खाएंगे, भरोसा दिलाएंगे। लेकिन बात तो जयमाला के स्टेज पर ही बिगड़ गई। दूल्हा साथ ले जाने आया दुल्हन को, लेकिन अकेले जाना पड़ा। आंखों में आंसू, ईश्वर को कोसते हुए, परिवार वालों के सामने फफक फफक कर रोते हुए लड़का अपनी बेबसी, अपनी किस्मत और अपने रंग को खूब कोस रहा है। परिवार के लोग भी दंग है कि इतना बड़ा बेटा आज तक किसी ने इसके रंग से इस तरीके से धोखा नहीं दिया, लेकिन आज इसके रंग पर सवाल उठाकर इसका साथ छोड़ दिया गया। समाज में जग हंसाई तो अलग ही हुई बदनामी, और अब मेरे काले लड़के से शादी के लिए कौन रिश्ता नया जोड़ेगा? कई तरीके का सवाल है, परिवार के लोग हैरान और परेशान हैं। इधर लड़की के घर वाले खामोश हैं, उधर लड़के के घर पे परिवार और दोस्तों की खुशियों के बीच ये खबर पहुंची कि दूल्हा गया है दुल्हन लाने, लेकिन बारात वापस लौट आई बेरंग, बिना दुल्हन के। तो परिवार वालों के सामने एक अलग ही समस्या निकल कर सामने आई। अब लड़के के घर वाले लड़की के परिवार वालों पर आरोप लगा रहे हैं, लड़की को रंग पसंद नहीं था तो हमारा सामान क्यों ले लिए? ये पूरा माजमा समझिए, इन दो बयानों को देखिए, शादी की कुछ तस्वीरें देखिए। कहते हैं ना कि जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती हैं, अगर जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती हैं तो धरती पर जो लोग जोड़ियाँ मिलाने का काम करते हैं, आखिर 36 गुण नापने वाले वो पंडित जी और दर्जनों भर वैसे परिवार के लोग जो जोड़ी मिलाने गए थे, जो रंग रूप देख कर शादी कराने गए थे, आखिर इस
बेमेल के विवाह पर अब क्यों नहीं कुछ बोल पा रहे हैं। जी पैसा घरे में न दी पैसा तो सब धमकी दिले है करा के हमरा तो याद न रहले जति जति कले ई सब बात है। शादी से इनकार हुआ क्यों छोड़ा गया? शादी से जी जैसे लड़कियां कहीं और चक्कर चल रहा था जिसकी वजह से और जैसे क्या कहते हैं बात करती थी हमसे तो हमेशा डिमांड करती थी से लहंगा ठीक नहीं है कान नाक में का ये सब ठीक अच्छा नहीं है जी जिसके कारण हम बात नहीं नहीं करते थे लड़की से। आपसे भी पैसा लिया गया? जी कितना आपसे क्या कितना रुपया लिया गया? जो जैसे तैयन हो गया जी तो उसके बाद पांच भी मांगते हैं। कितना कितना कितना? 5 लाख तैयन किया था इतना रुपया दीजिए तब छोड़ेंगे। अच्छा क्यों आप लोगों को बंदी बनाया गया था? जी पूरा बाराती को और हम लोग को तो उसके बाद हम दोनों भाई को बंदी बना लिया और लोग को छोड़ दिया गया बंदी बना कर से जाइए रुपया लेके आइएगा तभी दोनों को छोड़ेंगे जी। तो उसके बाद हमारे गार्जियन आए और क्या कहते हैं रुपया का जुगाड़ किए इधर उधर से मांग कर लोगों से तब रुपया लेके गए गार्जियन हमारे और ये जी हम पूरा रुपया जी हम फोन पे से जी किए थे एकदम 1 लाख रुपया और 1.5 लाख गार्जियन हमारे घर से ले गए 1.5 लाख गार्जियन हमारे हाथ में दिए जी तब लोग हमको छोड़ा। ये लो मुंह मीठा करो आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ हमने पूर्णिया में घर ले लिया है पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा बड़ा घर आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।